पावा है। ये बताया याद से शांति मिलती है और पढ़ाई से सुकून मिलता है। तो शांति पहले उसको बाद में होगा, मगर बोलने में तो आता है सुख शांति। आप सुख और शांति यहाँ से लेकर के जाएंगे कि वहाँ जाकर के सुख लेंगे? यहाँ से माना भले दुनिया में विनाश होता रहे, दुनिया में हाय गैया तोबा कितने भी होती रहे, मनुष्य कितने भी दुखी होते रहे, लेकिन आप कैसी स्टेज में रहेंगे? सुख स्वरूप की स्टेज में रहेंगे या शांतों पर बैठेंगे? इसमें सुख नहीं होगा, है इसमें सुख नहीं होगा। आप जब दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा, विनाश हो रहा होगा, तो आप शांति की स्टेज में शांत होके बैठेंगे या जो दुखी हैं उनके दुख को दूर करने में भी लगे रहेंगे? है क्या क्या ठीक है, सुख मिलेगा पहले। हाँ, हम भी सुखी रहेंगे, हमारी आत्मा और वाइब्रेशन हमारे सुख में ही होंगे और हम जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों को हमारे पहुँचने से राहत मिलेगी, सुख की अनुभूति होगी। तो हम सुख में ही स्टेज में हैं या शांति में स्टेज में? सुख का नहीं जमा लेता है, खा दिया। तो भाई बाबा ये ब्रह्मा के पाठमुख है और जो हम रहेंगे भी सुख में स्टेज में, क्या सुख में स्टेज में शांति नहीं होती है? सत्य में शांति नहीं होगी? शांति तो होगी, क्योंकि आत्मा शांत, आत्मा की स्थिति, आत्मा की याद होगी या नहीं होगी? तो बिना आत्मा की याद के, बिना याद के तो शांति हो ही नहीं सकती, चाहे इस दुनिया में और चाहे वहाँ तक की दुनिया में। जहाँ सुख है वहाँ शांति तो समाई हुई है। बिना ज्ञान के शांति नहीं होगी, शांति के बिना सुख नहीं होगी। हाँ जी, जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो भी याद में टिकेंगी या उनमें ज्ञान होगा? याद में टिकेंगी तो शांति उनको भी मिलेगी, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। नित्यात्मक बुद्धि से उनके अंदर ये बात नहीं होगी कि यही हमारा बाप है, साकार बाप है मनुष्य शक्ति का, साकार में मनुष्य शक्ति का कल्याण करता है, ये उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो ज्ञान ही नहीं बैठा तो सुख कहाँ से तौर पर मिलेगा? ब्रह्मा जी के पांच मुख हैं, दो आदि के दो अंश और एक बीच का। उसी प्रकार से हनुमान के पांच मुख बताए और पांचों जानवर है, ऐसा क्या? तो ये अलग अलग थोड़े ही है। हनुमान कहो, गणेश कहो, ये तो धारण कौन करते हैं? हनुमान और गणेश जो रूप है वो कलयुग में पूजा जाता है या द्वापर में पूजा जाता है? कलयुग में ही क्यों पूजा जाता है? क्योंकि कलयुग की स्मृति में जब हुई है तो इन्होंने भी जानवरों जैसा पार्ट बजाया, जानवर बुद्धि जैसे पार्ट बजाए। जब द्वापर युग की स्मृति होती है तो रामकृष्ण की आत्मा जानवरों जैसा पार्ट नहीं बजाती है। बाबा जब हम भक्ति में इस तरह से मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान हमें 84 जन्म से मुक्ति दे दो, लेकिन इसमें कहा कि 84 जन्म होंगे, इसका कुछ तब जानते थे? जब 84 जन्मों से मुक्ति मांगते थे तब ये जानते थे कि 21 जन्म उनमें से ऐसे भी हैं जहाँ सुखी ही सुख होता है, दुख नहीं होता है, जानते थे। इसीलिए मानते थे कि हमें 84 जन्म, वो समझते हैं 84 जन्मों में भी दुखी ही दुख होता है, इसलिए वो दुखों से मुक्ति मांग रहे। लेकिन अगर ये समझे कि 84 जन्मों में से 21 जन्म ऐसे भी हैं जहाँ सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं होता है, तो आत्मा सुख की चाह करती है या दुख की चाह करती है? आत्मा तो सुख ही मांगेगी। हाँ, ये जरूर है, जब तक बुखार है तब तक बुखार से निजात पाना चाहते हैं। पहले बुखार छूट जाए, कोई रसगुल्ला दे, खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि शरीर छप रहा है, ऐसी कपट की स्टेज में जबकि घर जल रहा है, बच्चे जल रहे हैं और कोई हम 36 प्रकार के भोजन ले आए, पहले खाना खा लो तो खाना खाएगा कोई, सुख नहीं भोगा जा सकता। इसलिए पहले दुखों से निजात चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए, दुखों की दुनिया से छुटकारा माना शांति। जब बुखार उतर जाता है तो ये बाबा जैसे अब अपन इस ज्ञान में आ गए, लेकिन इसके बाद में जो हमारे और भी जन्म होंगे 21 जन्म के बाद इतनी यातना तो भोगनी पड़ेगी ना। नौ मंदिर घर में हो सके तो क्या हुआ? घर में होती है कि बाहर घर में महल होता है, वहाँ तो न माँ को दुख होता है और न बच्चे को रोते हुए पैदा होना पड़ता है। वहाँ तो शरीर का तो प्रधान बन जाता है, यहाँ तो गोमूत्र की पैदाइश है, शुरुआत ही उसकी दुख से है, आसक्ति से है। तो सारा जीवन आसक्त और दुख और दुखी आदमी होता है। जिसकी शुरुआत ही सुख से है वो आज मध्यांत में दुखी भी सुख में रहते हैं। बाबा एक पांडवों का गाय ने 3 पैर पर सीधा, तो इसका भेद क्या है? पांडवों की शुरुआत कहाँ से हुई है? अरे पांडवों की शुरुआत भी तो कहीं से हुई होगी, पांडवों की पैदाइश भी तो कहीं से हुई होगी, पंडे से शुरुआत हुई होगी ना। मुख्य पंडा है कि नहीं? पांडवों में मुख्य पंडा कौन है? अरे अर्जुन का रथ आया हुआ है, कहते हैं ना किसके रथ में आया? अर्जुन के रथ में आया। फिर कहते हैं पांडवों में एक युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो जीते जी स्वर्ग में गए। मैंने पांडवों की भी कैटेगरीज है, एक जैसे ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनमें मुख्य पार्टधारी जो है वो चाहे युधिष्ठिर का पार्ट कहो, चाहे अर्जुन का पार्ट कहो, चाहे भीम के रूप में सारी दुनिया के जितने भी असुर हैं, कीचक हैं, उनको मारने वाला कहो। जो तो आसुरी संपदाएं हैं उनको मारने वाला पांडव कौन था? लेकिन था भी नहीं जिसने सब राक्षसों को मारा है, भीम था। सब आसुरों को मारा और सब जितने भी कीचक थे 100 कीचकों को मारा और 100 कौरवों को। तो पांडवों क्यों नहीं दिखाते हैं? तो ये जो मुख्य पार्टधारी है पांडवों में, उन मुख्य पार्टधारी पांडवों का पार्ट बजाने वाला भी पहले तो बाप ही है। और उस बाप के लिए पहले गायन होगा कि पहले बच्चों का गायन हो जाएगा? पहले बाप का ये ज्ञान है कि वो जो पांडवों का बाप पंडा है उस पंडे को 3 पैर पृथ्वी के नहीं अभी मिल रहे नहीं, अभी नहीं मिल रहे। भले और सब बच्चों को तो अपना है, घर सीख सकते हैं, सीख के रह सकते हैं, रह रहे हैं, लेकिन उसको अपना घर 3 पैर पृथ्वी का नहीं है। तो यहाँ से गायन शुरुआत होता है, जो बाप के लिए तो बच्चों के लिए। ऐसे नहीं कि बाप की ही ऐसी स्टेज आती है, ऐसी परीक्षा आती है, ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। नहीं, नंबर बार बच्चों को भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना जरूर पड़ेगा, सब पार्ट प्रत्यक्ष होगा। ऐसे पार्ट प्रत्यक्ष होने वाले बिना परीक्षा के नहीं है। और आप कहते हैं कि भाई बच्चों को जो है आंखों में आंसू नहीं आने के लिए मेरे बच्चों के, तो लेकिन परिवार में से जब दुख मिलते हैं तो आंसू अपने आप ही निकल आते हैं, कैसे होते हैं? वो परिवार में लगाव लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? लगाव के मतलब छोड़ने की कोशिश तो करते हैं, छोड़ने की बुद्धि में बात बैठी नहीं है कि ऐसे परिवार हमने पता नहीं 84 जन्मों में कितने बनाए। यही एक आखिरी जन्म का तुम प्रधान दुनिया का परिवार हमारा है। अभी आत्म की स्थिति पक्की नहीं हुई है, आत्म की स्थिति जब पक्की हो जाएगी तो 84 जन्मों का परिवार याद आएगा, ये सिर्फ एक ही से आखिरी समूपदान दुनिया का परिवार याद आएगा। 84 जन्मों का भी परिवार का कल्याण करना है, ये सिर्फ एक परिवार के पीछे नहीं लगा रहना जो समूपदान परिवार को अभ्यास इनको बनते हैं। वैराग्य हमसे ग्रहिए थे, एक तो वैराग का भाव बार बार बुद्धि में लाना है ना, क्या वैराग को आता है? वैराग आता है, लेकिन अकेले वैराग से काम नहीं होगा। ये दुनिया खत्म होने वाली है, नहीं दुनिया को छोड़ना है, घर से परिवार से ये भी आना चाहिए कि प्रैक्टिस हमको करनी है। क्या देवान की प्रैक्टिस हमने की है 63 जन्मों में, कोई दूसरे नहीं है। वैराग से कई बार ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़ते हैं, तो अकेले वैराग से कुछ थोड़ा ही होगा। वैराग को देखो सन्यासियों ने कितना किया 63 जन्मों में, कितने सन्यासी निकले जो घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए, क्या उनका कल्याण हो गया? वो आधा पुरुषार्थ है। सबको पुरुषार्थ तब होगा जब उनको वैराग भी हो और साथ साथ अभ्यास भी हो। गहरी प्रैक्टिस करोगे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है अमृत मिलेगी। कोई नहीं हो रहा, उससे संतुष्ट नहीं है कोई। अमृत वेले की प्रैक्टिस जब फाउंडेशन वेला जो है मजबूत हो जाएगा तो हमारा अभ्यास भी पक्का होगा। सदैव हम समझेंगे अपन को आत्मा, और जब आत्मा याद रहेगी तो आत्मा के 84 जन्मों के जो 84 परिवार हैं उनका कल्याण बुद्धि में आएगा। सबसे पहले जन्म का जो ऊंच से ऊंच परिवार है जिसने हमको जन्म जन्मांतर का सुख दिया है तो उसका कल्याण करेंगे। ये तामसी जन्म का परिवार का कल्याण नहीं करेंगे, पहले किसका कल्याण करेंगे? जो पहले जन्म का संगम रूपी परिवार है तो उसकी पहचान हुई है? फिर तमोप्रधान दुनिया का जो परिवार है, संगी साथी है, देह के संबंधी अगर साथ धोखेबाज है, धोखा दे के चले जाएंगे। सिंध हैदराबाद में हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, 7 सालों के अंदर मेरी है लड़की, मेरी बहन है, फिर क्या किया? फिर छोड़ के भाग गए, फिर नहीं लिया, फिर कहाँ परिवार चला गया? तो झूठे साबित हुए या सच्चे? इस दुनिया का तो तमोप्रधान परिवार है। सबके साथी जो हैं वो पहले जन्म के अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जैसे राम वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं पहले जन्म से लेकर के अगले जन्मों तक भी वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं? कितने हैं? राम वाली आत्मा के जन्म जन्मांतर के साथी कौन है जो पहले जन्म में भी विशेष सहयोगी बनते हैं और 63 जन्मों में भी सहयोगी बनते हैं? नहीं है कौन है? ये सब बैठे हैं। फिर अष्टदेव कौन से हैं? वो सब भूल गए, वो बहुत दूर की बात है। अभी भी सहयोगी है वो, अभी भी उनको अपने परिवार का मोह नहीं है, लेकिन किसका मोह है? जब से ज्ञान में आए तब से उनको बाप का मोह है, बाप के सहयोगियों का मोह है, लेकिन अपने परिवार के जो देह के संबंधी है उनका मोह नहीं है। उनकी बात ध्यान में नहीं धरते, उनके डायरेक्शन पर नहीं चलते, बाप की पता न चली जाए ये बुद्धि में सदैव रहता है। हमारी लास्ट परीक्षा कौन सी है? तो अष्टदेवों का भी मुख्य गुण कौन सा होगा? जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर अब तक भी कोई देहधारी के पीछे पागल होकर के नहीं फिरेंगे। किसके पीछे पागल होकर रहेंगे? उनका जीवन देखा जाए, अगर ये बात उनके जीवन में है आज से लेकर के जब से ज्ञान में निकले तो जरूर आज से में होंगे। बाबा अपन सब कहते हैं परिवार के लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते रहते हैं, गांधी तो ऐसे कैसे संभव होगा? दुनिया गाली देती रहती है तो हमसे सुना नहीं जाता कि हमारे शिव बाबा को गाली दुनिया गाली देती है तो दुनिया को कौन देखने जा रहे हैं हमको अपने दुनिया वाले जो गाली देते हैं वो देखने में नहीं आता हमें देखने में नहीं आता आपको देखने में नहीं आता देखते हैं ना उनकी बातें दिल में क्यों नहीं रखते। दुनिया वाले जब गाली देते हैं तो उनको सुना अनसुना क्यों कर देते हैं क्योंकि हम समझते हैं ये हमारे अपने नहीं है। और घर वालों को क्या समझते हैं लगाव ये हमारे अपने माने अपना लगाव ही अपने को दुख दे रहा है। और बाबा जैसे बेहद के बच्चे मिलते हैं और तो ऐसा लगता है कि ये अपने कोई परिवार पहले से अपना कोई परिवार बने हुए बच्चे हैं तो ऐसा तो उसमें मतलब आदमी की स्थिति और ऐसा महसूस होता है कभी अपने लगते हैं बच्चे लोग संपत्ति दे रहे हैं आजकल बहुत सीबीआई और की जांच पड़ताल बहुत चल रही है तो उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा। वो पूछते हैं आपकी संस्था कौन सी है आपका हेड कौन सा है। हमारा संस्था है मेरा परमपिता परमात्मा से बड़े बात को ढेर पॉइंट है बताने का बताते हैं बीके वाले क्या बताते हैं वो कहते हैं बीके वाले की तो यही बोलते हैं क्या बोलते हैं तो आप तो फिर जो वो बोलते हैं पहले उनसे पूछो ना उनकी तहकीकात करो उनकी तो क्या हमने 70 साल से कर ली थी 70 साल से उनको जान रहे हैं क्या जान रहे हैं आप एकदम से आ गए हो इतने सारे माउंट आबू में। हाँ तो क्या कोई बंधन है क्या ये सरकारी नियम नहीं है कि कोई भी इंडियन कोई जमीन खरीद सकता है कहीं। हाँ वो तो बोला है विदेशी नहीं खरीद सकते तो हमको विदेशी समझते हो क्या। हर आए दिन कभी किसी को ये तो लोगों की ताकत है जो सीआईडी वाले हमारे पीछे पड़ते हैं दुनिया वालों के पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं उन आतंकवादियों के पीछे क्यों नहीं पड़ते उनको क्यों नहीं पकड़ पाते। वही तो उनको बोला कि क्या गुनाह किया है ये तो फिर भी हमने क्या गुनाह गुनाह तो कुछ भी नहीं फिर भी आए दिन कोई ना कोई उसमें आके जांच पड़ताल करते हैं तो हमें कोई डर है क्या हम तो जो अंदर से सच्चा है उसको डर किस बात कर। तो नोटों की गद्दियाँ जिनको भी मिलेंगी वो अपना धंधा करेंगे। बाबा वो यही तो कह सकते थे और इंस्टीट्यूट है कि भाई जयपुर से आया आप यहीं आके मकान क्यों ले रहे हो तो क्या जयपुर वाले ही ले रहे हैं ऑल इंडिया वाले ले रहे हैं यहीं के कोई भी आया आपको यहीं पर आके मकान क्यों ले रहे हैं। सरकार ने यहाँ की कीमत इतनी ज्यादा क्यों रखी हुई है जमीन की पूछो उनसे कोई खास बात होगी कभी भी हमारी जमीन की ज्यादा कीमत रखी है हाँ तो हमने पहचाना इस जमीन को तुम खरीद नहीं पहचाना तो तुम नहीं खरीद रहे वो बात बाद में वो बात उनकी कुर्सी में जल्दी नहीं बैठेगी। वो तो ये कह रहे हैं क्योंकि मंदिर के पास और ये बड़े बड़े मथुरा वृंदावन और ऐसे दूर पूरा कहीं भी खरीद लो यहीं आके कुछ खरीद लो पाबंदी लगा दो सबके कहाँ में तो आकार दिखा रहे वो पाबंदी थोड़ी लगा सकते हैं। अभी जो मोदी ने बताया कि बाप से कोई भी बात किसी की छुपी नहीं रही बिल्कुल नहीं छुपी रही मोदी का वाक्य है ये। हाँ। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम ब्रह्मा का वाक्य समझो ऐसे ऐसे वो कभी झूठ नहीं हो सकता वो पत्थर की लकीर है। तो मुरली में ये बात बोली हुई है ब्रह्मा के मुख से इस दुनिया में कोई भी किसी की बात छुपी नहीं रहेगी सबका उलंघन होकर के सारी दुनिया के सामने आ जाएगी सबका भगवान से छुपाने वाला छुप जाएगा भगवान से छुपाने वाला दुनिया के नाम में पदम हो जाएगा। हाँ बाबा सर अपनी अवस्था डाउन हो गई है लेकिन हम कहें कि सलामित के वाइब्रेशन से हमारी आत्माओं की संगत के कारण हमारे यह अनुमान है, यह ज्ञान है। आप ये बताओ, ये इस तरह से ना, ये हमारा अनुमान है, ये ज्ञान है। अनुमान से नुकसान होगा या फायदा होगा? अब जैसा वाणी में तो बोला अनुमान से होता है नुकसान, ऐसा अनुमान क्यों लगाना? जैसे अन्य आत्माओं के बने हुए भोजन को स्वीकार करते हैं, उससे शर्म हो रही है। वो तो बाबा ने कहा है, जितना कायदा उतना फायदा। बाबा ने कब कहा कि तुम दूसरों के हाथ का, विकास के हाथ का बना हुआ भोजन खा लो? चलो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण अपने जीवन में, अपने घर में कैसे रहता है हमें क्या मालूम। जिनके साथ हम रहते हैं उनका तो हमें मालूम है, जो बाहर अपने घर में रह रहे हैं उन सब ब्राह्मणों का हमें पता है इनकी चलन कैसी है। नहीं पता है। आज तो उत्तर नहीं आया। तो बाबा ने बताया है कि इतने ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार वहाँ शरीर छोड़ रहे हैं जो बाप को नहीं जानते हैं, हैं? तो वो बाप को कैसे जानेंगे? ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाने बगैर ही शरीर छोड़ दिया, तो वो आत्मा बाप को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? पहचानेगी। तो वो तो कोई न कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाय देगी, तो वो आत्मा प्रवेश करके अपना पार्ट बजाय रखेगी, क्योंकि वहाँ तो वो बाप को पहचानती नहीं है। वही संस्कार उनकी बैठे रहते हैं अपोजिशन करने के, ये बाप नहीं है। ब्रह्मा कुमारों के अंदर ये संस्कार है कि नहीं अपोजिशन करने के। तो बाबा सुबह अपन जब अमृत वेला उठने की कोशिश करते हैं, ये कारण है। हाँ जी, वो आत्मा दबाव डालती है। बाबा ये दोनों आत्माएं बची करके जब से आई है, जब से बीमार पड़ी है। आखिर मुकाबला हमारे ही कर्म तो हमारे सामने आ रहे हैं। 63 जन्मों में उन आत्माओं के साथ हमने ही कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि वो सत्संग में जाती रही होंगी और हमने उनको सत्संग में अच्छे रास्ते पर जाने से रोका होगा, तो वो आत्मा हमारे हिसाब किताब ले रही है। तो आप और निकल करो, घबराना नहीं है। क्या घर में जबरदस्ती से आती ना, आत्माओं को जबरदस्ती से आती, तो भी डरना नहीं है। ये सब भूत प्रेत बनने वाले ही तो रावण संप्रदाय है। रावण संप्रदाय कोई दूसरे थोड़े ही है। जब आप तो बाबा आए थे ना मानसरोवर में, तो उसके बाद हमारे घर में कोई आत्मा नहीं थी, सब चली गई थी ज्योति। और जब से ये अंत लगी है ना, अब इसको आत्मा ही दिखती है। और एक दिन मेरे पास आ गई, मेरा काम पकड़ लिया उसने, बोली मेरे को मुक्ति चाहिए। तो मैंने तो उसको यही बोला शिव बाबा के पास जाओ, अरे वही मुक्ति रहेगी, मेरे पास कुछ नहीं है। और इनको बहुत दिखती है बाबा, क्लास करने आती है ना, तो इसको पता नहीं क्या बात है, और से दिखती है। तो आत्मा ही है। रोग नहीं लगता था, रोग जिस चीज को आँखों से देखते हो वो याद नहीं आता। तो बाबा को आँखों से देखा हुआ है, तो आँखों से देखा हुई चीज याद क्यों नहीं आती? बाबा आप भी तो उधर हैं, आप तो सामने। दुनिया वालों को आँखों सर में दर्द होता है, तो दर्द के टाइम में क्या कुछ दिमाग शून्य रहता है क्या? खुद कुछ याद करते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा को याद करने से और सुखी सुख होना चाहिए। ये तो बस्ती करने गई तो उस वक्त बाबा इसके अंदर आ गया, बहुत इसको परेशान किया। तो कायदात किताब है, तो आप है सबके साथ ही साथ किताब है क्या? एक बच्चा जरूर इसका ठीक हो गया। जब प्रजापिता वाली आत्मा के साथ ब्रह्मा जैसी आत्मा का हिसाब किताब है, तो फिर किसको छोड़ा जाएगा? ये ब्रह्मा कुमार कुमारी किसी को छोड़ने वाले नहीं है, नहीं है। नहीं समझा, समझाओ उसे क्यों जाती है। बाबा है कहने से नहीं मानेंगे ना, जैसे तुमने समझा है साकार में समझाओ, साकार में भी तुम्हारे साथ रहती है। पर तुम बात न करो। ये दो ऐसे क्यों हैं? बाहर निकलेंगे। आपस में बात नहीं करोगे, खराब झूठे हो गई। वो कह रही मेरे से बोला घंटे घंटे में बात करोगे तो बोलो ना, ये मत करके बोलो। दूसरा आदमी पीछे बोल रहा है, उसकी बात ही नहीं सुनाई पड़ रही। हाँ आप बोलिए। कौन ये तो 8 है, वो 12-12 के ग्रुप नहीं है, 12-12 के 9 ग्रुप हैं। अरे दुनिया में 12 ही राशियों के मनुष्य क्यों होते हैं? जितने भी मनुष्य दुनिया में है 12 राशियों से बाहर क्यों नहीं है? हैं बाहर, सब 12 राशियों के अंदर है, लेकिन कौन से धर्म के हैं ये किसी को पता नहीं। तो ये ग्रुप जो है इस समय तैयार हो रहे हैं। अरे वो उनकी बात तो पूरी हो जाने तो दुनिया में 12 ही राशियों के मनुष्य हैं, लेकिन जो 12 राशियां हैं वो किस किस धर्म से कनेक्टेड है वो भी देखना है। 9 ग्रुप है माला में और 12 के ग्रुप हैं, 9 तो 12 नहीं 100। जो 9 ग्रुप हैं ये वही माला के माँ के हैं, 9 ग्रुप के जो भगवान से वार्ता लेते हैं। 10वां धर्म भी है, वो माला में नहीं है। वो कौन सा? नास्तिक धर्म, भगवान को मानता ही नहीं तो वार्ता कहाँ से मिलेगा? तो वो माला में आता ही नहीं। तो जो 9 धर्म है वो कुछ न कुछ भगवान को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए माला में उनका नंबर बन जाता है। माला के ऊपर एक अलग होता है ना ऊपर, ये बताने के लिए है कि ये जो भी माला के मणके हैं वह सब प्रवृत्ति मार्ग के हैं, कोई भी निवृत्ति मार्ग का नहीं है। आपका प्रश्न क्या था? नहीं आपका प्रश्न समाधान हुआ पीछे। हाँ जो और धर्मों के हैं सब तो सूर्यवंशी नहीं है, चंद्रवंशी भी हैं, इस्लाम वंशी भी हैं, बौद्ध वंशी भी हैं, क्रिश्चियन वंशी भी हैं। तो जो और धर्मों से कनेक्टेड हैं अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में भी और धर्म वालों से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी बात मानते हैं। शिव बाबा की बात आधी बात शिव बाबा की मानेंगे और आधी बात अपने गुरुओं की मानेंगे, या जिनसे रज रज के बातें करते हैं उनकी बातें मानेंगे। दिल की बात उन गुरुओं को दिलावर समझ करके बताएंगे, बाबा को बाबा को नहीं बताएंगे। दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर वो नीचे के मण को बन जाएंगे माला, ऊपर वाले मण के नहीं बनेंगे। तो ग्रुप तैयार हो रहे हैं अभी, आगे आने वाले टाइम में 9 ग्रुप क्लियर दिखाई पड़ेंगे, एडवांस पार्टी में भी दिखाई पड़ेंगे। माता जी को पूछेंगे। हाँ मैं कहती हूँ 2 कन्या दिखी मेरे को सुबह और 2 माता आई। अच्छा ना, और एक भाई भी आया। अच्छा और आके मेरे को ना ज्ञान सुनाने लगी। अच्छा हाँ तो ज्ञान सुनाने लगी तो मैंने उनको कहा कि वो सुनाओ तो इसकी आगे सुनाओ, इसकी आगे सुनाओ, ये मेरा सुना हुआ है, ये मेरा सुना हुआ है। जैसे वो कन्याओं को मैंने कहा हो गई, बोले ऐसे ऐसे आके तुमने कहीं ज्ञान सुनाया? मैंने कहा हाँ हमारी गीता पाठशाला चलती है। एक भाई आया और बोलता है मुझे दिखाओ जो आपकी गीता पाठशाला, तो मुझे वो उसको ले जाके देख दिखाने लगी तो बोला मैं मुड़िया दो मेरे को छीन के ले जाऊँगा, छीन के ले जाऊंगा। तो बताओ हमारे यहाँ मुरली कागज की होती नहीं वो सेवेताओं के लिए वहाँ पे ऐसे एडवांस ज्ञान करना है। फोन करके किसको पता नहीं किसको पता नहीं किसको क्या भाई वो जैसे मुड़िया छीने लगा ना मैंने उसका गरीबन पकड़ के बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया पावरफुल आदमी थोड़ी बनना चाहिए कहते वो बाद में आया चला गया है तो भूत प्रेत है जितना डरा उतना डराएंगे। भय का भूत होता है ये मुश्किल नहीं है भय का इधर वो ना बोला ना मुड़िया छीन के ले जाऊंगा क्यों ब्रह्मा कुमार कुमारी गीता पाठ करना नहीं होती है तो नहीं आ जाते हैं। ये लेटर हमको दे दो मैं नहीं दूंगा ये लेटर हमको दे दो किसका आप फोन किया सारे निकल जाते सपने की बात बता रहे ये तो सपने की बात आने में कहाँ ले जा रहे खाने में भी ले जाओ तो ये तो नोट आउट करती है पहले ही खाने में दे देते हैं। मैंने बताया पुलिस से आके फोन पर वो फोन करके किसको बता रहा था किसको कह रहा था उनको ब्रह्मा कुमार हेड ऑफ ना बहुत परेशान करेंगे वो परेशान होने वाले हो गया हम परेशान दुनिया में दूर करने वाले हैं क्या परेशान होने वाले वही ऊपर की आत्मा जो एक तो आपकी जो माला होती है उसके ऊपर जो दो फूल होते हैं तो मन के होते हैं हाँ जी वो कौन है आप ही तो बताया आप होते रहते क्या आप बात करते रहते माला के ऊपर जो दो मणके होते हैं जुड़े हुए पाई की यादगार जो भी मणके हैं माला में वो सारे मणके प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। निवृत्ति मार्ग वाला कोई मणका नहीं है। बाबा जो एक आज के मणके अलग है और आज मणके अलग है तो एक ही माला में अरे जो 8 है वो 108 में भी है फिर वो 108 16000 में भी है 16000 की माला कही जाती है 16108 की कही जाती है 16000 108 की कही जाती है 1008 में भी वही आप जुड़े होंगे। जो 9 लाख प्रजा बनेगी उनमें भी वो जुड़े हुए हैं 9,16,108 बाबा इनका ये पूछना है कि ये 8 की माला में अलग है 8 असर का नहीं वो 8 जो है वो हर एक माला में जुड़े हुए हैं। जो 108 है वो अपने से नीचे वाली सब मालाओं में जुड़े हुए हैं। जो लास्ट में सब सच्ची में जाएंगे 4.5 लाख जाएंगे 9 लाख जब 4.5 लाख सतयुग में उतरेंगे परमधाम से धीरे धीरे उतरेंगे ना तो उनके साथ जो जन्म लेने वाले हैं वो भी उतरेंगे साथ साथ मतलब हाँ जी थोड़ा गैप होगा अंतर होगा जन्म से बाबा जोड़े को देंगे ना जन्म देंगे जन्म देने वाले भी तो जोड़े होंगे जन्म देने वाले भी जोड़े होंगे और जन्म लेने वाले भी जोड़े होंगे। जन्म देने वाले पहले वर्ष से बाहर आएंगे उनकी कंचन काया पहले बनेगी फिर जो उनके बच्चे बनने वाले हैं वो उनमें प्रवेश करेंगे वो बरस में नहीं है वो हो गए बर्फ में आ जाएंगे उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जो उनके शरीर सुरक्षित रहे। बाबा यूपी में ये डायल है कि यूपी में कोई भी जो मनुष्य जाता है वो या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। कहाँ जाता है मधुबन है मतलब यूपी में यूपी में हाँ यूपी में मधुबन कहते हैं दुनिया में कहते हैं कि आपके पास क्या बोले अच्छा वृंदावन में जो भक्ति मार्ग वालों ने मधुबन बनाया है उसमें ये मान्यता बनाते हैं कि वहाँ जो कोई रहने जाता है अगर अगर वहाँ कोई रहेगा जाता तो खराब हो जाएगा। अच्छा तो भगवान में थोड़ी हमारा क्या ये जो मर जाता है या पागल हो जाता है। हम भी तो मधुबन में वहाँ वृंदावन में होकर आए हैं, हम जो नहीं मरे हैं भूत आ जाएंगे भक्ति मार्ग में ऐसी बहुत ही ढेर सारी बातें चलती हैं। और यहाँ बेहद का मरना है या हद का मरना है? यहाँ तो बेहद का मरना बाबा ने सिखाया। कैसे मरेंगे? जीते जी जीते जी मरेंगे, देवान से मरेंगे। तो वो मरना नहीं है, नहीं मरना चाहते हैं? मरना चाहते कि नहीं है? मरना चाहते हैं, देवान से मरे तो अच्छी बात है ना। तो मधुबन में जाना भी अच्छी बात है। गीता पाठशाला में दो बच्चे ऐसे हैं जो क्लास पर करते हैं, लेकिन वो जमीन पे नहीं पहुँच सकते। वहाँ कंप्यूटर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वो कहते हैं कि हम नीचे जमीन पर नहीं छोड़ सकते। अच्छा, देवान को छोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ, तकलीफ तो ऐसी है, लेकिन देवान को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते ये तो बताओ। वो दुनिया में रहते रहते देवान को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? देवान छोड़ेंगे। जीते जी देवान छोड़ना। तो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि हम जमीन पर सो करके रह सकते हैं? जमीन में और चारपाई में अंतर क्या है? क्या अंतर है? चिलपट में सोएंगे बिना गद्दे के, मोड़ करके बैठ नहीं सकते। सारा दिन क्या करते हैं? खड़े रहते हैं या कुर्सी पर 24 घंटे खड़े रहते हैं। 24 घंटे खड़े रहते हैं क्या? मुद्दे पर बैठते हैं। वो बैठने की बात छोड़ दो, हम सोने की बात कर रहे हैं। 24 घंटे में सोते हैं कि नहीं सोते हैं? तो पलंग में और गद्दे पे सोने में क्या अंतर है? गद्दा जमीन पे डाल दो और सो जाओ। पलंग और गद्दे में कोई अंतर है क्या? बहाने वाली बहुत है। यहाँ 3 सारे पृथ्वी नहीं मिल रही है, अब वहाँ उनको पलंग चाहिए, लोटा घर चाहिए। चलो, अब कहानी में बोला है, पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा, अपनी अटैची अपने गोद में ऐसे करके सोना पड़ेगा। ज्यादा देर और दिखाया है तब कैसे चलेगा? तब आप पाँव पसार के सोना मिलेगा? ऑपरेशन हुआ तो ठीक हो जाएगी कि हमेशा ऑपरेशन नहीं रहेगी? चलो, बीमारी की हालत में क्यों जाए भर्ती करने? वहाँ बीमारी की हालत में गए और वहाँ शरीर छोड़ दिया तो सर्विस हो जाएगी ना? हाँ, तो पहले ठीक कर लो। वो क्या शूटिंग हो जाएगी क्या? बीमारी की पहले इलाज करा लो, इलाज कराने के बाद जाओ। तो कड़ी बीमारी लगी हुई है, कालरा हो गया, अब तुम्हें ज्ञान मिल गया, अब तुम भागो। तो जाएंगे जैसे हम भी भर्ती करने गए तो उस समय हमारी हालत बहुत खराब थी। हाँ, तो नहीं लेके चलते थे। हालत ठीक करके जाओ ना। फिर ये है ना कि अगर बिस्तर पकड़ लिया तो भर्ती भी रह जाएगी। वो गलत संकल्प करने के लिए, नेगेटिव संकल्प करने के लिए ज्ञान में बोला गया। अच्छा संकल्प चला है तो क्या ये शूटिंग हो गई क्या? विकल्प जैसे बच्चा जन्म लेते ही बीमार होता है। हाँ, ये तो आपकी अंदर की खुशी के ऊपर है कि वहाँ बीमारी की अवस्था में गए और बीमारी की अवस्था में जाते हुए भी रहते हुए भी आपका मन खुश रहा। हाँ, वो अच्छी शूटिंग हुई। पर हम भी पलंग पर सोए थे तो क्या शूटिंग गलत? क्या हुआ, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। पलंग था तो पलंग मिल गया, अब आगे चल के पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा पहाड़ पर। तो वहाँ इतने बीमार लोगों को पलंग कहाँ से आएंगे? तो यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? है प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। वो खरीद करके वहाँ रहे 5-7 दिन, तब तक तो उसके ऊपर छूट के आ जाएंगे। कौन खरीद करके रहे? जो भी मिनी मधुबन है जहाँ एक एक कमरे में 8-8, 10-10 और 20-20 सोते हैं, वहाँ कलर डालने की जगह है? सामान रखने तक की तो जगह नहीं है। उनके पलंग कौन इकट्ठे करेगा? पलंग और सोफा सेट सब मंगवाइयों वाले। वहाँ तो 36 प्रकार के भोजन फूल की शूटिंग नहीं होती है, शूटिंग होती है मन की अवस्था की, मनता के वाइब्रेशन की शूटिंग होती है। उनको ज्ञान दो क्या कर रही है, तो उनको ज्ञान दो। हाँ वो पीछा कर रही तो उनको ज्ञान सुनाओ। है क्या नहीं मानते? वो जिंदा ब्रह्मा भगवान ये पीछे कर रही है या शरीर छोड़ करके पीछा कर रही है? यहाँ तो शरीर छोड़ करके पीछा कर रही है। अब तुम्हारे सामने जीते जी पीछा कर रही है, तो क्या वो क्या चाहती है? आप चाहती है कि आप तो हम क्या उनके घर पर जबरदस्ती उठा के ले आ रहे हैं क्या? उनको समझाओ मत जाओ, तुम उनको समझाओ मत जाओ और हम उनको समझाएंगे जाओ। हम ज्ञान सुनाए, तुम ज्ञान ही सुना। तुम्हारा जो पार्ट है तो तुम करो, हमारा जो पार्ट है हम पार्ट बजाएंगे। हमने तय करके हमने जो पार्ट बजाया तो ही पार्ट हम अभी भी बजाएंगे। और तुमने क्रिश्चियन मुसलमान बन के जो ग्लानी बन करने का पार्ट बजाया है वो तुम बजाओ। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, साफ बता दो उनको। जो यहाँ ग्लानी करने का पार्ट बजा रहे हैं वो वहाँ ग्लानी करने वाले मुसलमान और क्रिश्चियन बनेंगे। मुसलमानों क्रिश्चियन ने कैसे कन्वर्ट किया? हिंदू धर्म की ग्लानी सुनाई कि नहीं सुनाई? ग्लानी कर करके सारे हिंदुस्तान को कन्वर्ट कर लिया दूसरे धर्मों में। वो ग्लानी करें और तुम ज्ञान सुना। वो अपने से बात नहीं आए, तुम अपने से बात ना हो। हमारे यहाँ गीता पाठ वालों को नई पर हम झंडा लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा? घर घर में झंडा लगा, कपड़े का झंडा लगाने से फायदा क्या होगा? अच्छा, तो वो बिल्कुल भूल के नहीं आएंगे आपके पास। झंडा कैसा लग रहा था हमने सुना के, तो आएंगे हमारे पास सुनाने के लिए तो लगा रहे हैं ताकि वो लोग आए। ठीक है, लगा। हम चाहते हैं कि कोई आवाज पास, लेकिन झंडा लगाने के साथ साथ तो झंडे की समझानी भी चाहिए। क्या तो 3 मूर्तियों जो दिखाई गई हैं 3 कपड़ों में, वो किसकी यादगार है? वो कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। अभी हैं या मर गए? है? दिखावा करना जरूरी है क्या? याद जो है वो दिखाई पड़ती है। स्मृति की डोरी दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है? हमारी स्मृति की डोरी लगी हुई है, हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो वो किसी को दिखाई पड़ेगी क्या? नहीं, दिखावा करने वाले दिखावा करते हैं। ब्रह्मा और शंकर का दिखावा, इसका मतलब विष्णु का नहीं है। विष्णु का भी है, विष्णु का तो नहीं। उनका उनको थोड़ी याद करने से ही प्रैक्टिकल ज्यादा हो याद हो जाता है, या ज्यादा याद करते हैं, ज्यादा ज्ञान लेते हैं। विष्णु का कारण जो है वो ज्यादा ज्ञान लेने का है, ज्यादा याद करने का है, या कम याद करने और कम ज्ञान लेने का है। ज्यादा पवित्र नहीं बने त्रेसठ जन्मों में, तो ज्यादा याद भी क्यों करेंगे? और ज्यादा विविकारी नहीं बने, तो ज्यादा याद करने की उनको जरूरत क्या है? इसलिए विष्णु को वो विष्णु की डोरी ज्यादा लंबी नहीं दिखाई गई। और विष्णु का पाठ कब चलता है? अब आँख पूरा हो रहा है क्या? सुनते नहीं हो अपने से? हाँ, तो आँख पूरा है तो पार्ट भी शुरू हो गया होगा। तो सत्युग में चलना चाहिए उनका पार्ट, सत्युग में चलना चाहिए। ये तीन मूर्तियों की जो यादगार है वो संगम युग की यादगार है, या सत्युग में तीन मूर्तियाँ होती हैं? नहीं, तो पालना, तो अब पालना का टाइम थोड़ी, पालना यहाँ से शुरू होगी या सत्युग से ही शुरू होगी? नहीं, जो बर्फ में दबेंगे उनके बारे में बताएंगे, वो तो बात की बात, कोई हिस्ट्री नहीं है शास्त्रों में। यहाँ की हिस्ट्री है या सचिव त्रेता की हिस्ट्री है? शास्त्रों में जो हिस्ट्री है वैकुंठ की, वो कहाँ की है? संगम की हिस्ट्री है। शास्त्रों में जो विष्णु को दिखाते हैं, ब्रह्मा को दिखाते हैं, शंकर को दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर, वो यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है। विष्णु कहाँ क्या है अभी? जैसे अब ये जो पाठ चलेगा 12 के बाद में, 10 के बाद में है, तो विष्णु का जैसे सर्वनाश होगा। विष्णु का सर्वनाश होगा? नहीं, विष्णु का नहीं, जो शक्तियाँ विश्व का है, जो बर्फ में चलेंगे या बम्बार्डमेंट होंगे, या शिव जी का, इनका, शंकर का जो पाठ चलेगा, और तो खत्म होने के बाद में जो विनाश होगा वो तो अब खत्म होने के बाद विनाश होगा। अब जो विनाश कह रहे हैं साहब सर, 2010 के बाद विनाश है। विनाश है 2010 के बाद? विनाश है 2012 10 के बाद। 2012 में स्थापना हो जाएगी, स्थापना विनाश होगा। अरे पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले तो स्थापना होनी है, संगठन ऐसा तैयार होना है परिपक्व को, जिसको कोई तोड़ न सके। 2018 हाँ, पहले तो ब्राह्मणों का संगठन तैयार होना चाहिए ऐसा मजबूत, जिसको कोई दुनिया में हिला न सके। उसका टाइम बोल रहे और कृष्ण का जन्म कब बताया? 1998 में बताया है। 98 में तो जो जन्म है वो हद का जन्म है या बेहद का जन्म? बेहद। बेहद का कहते ब्राह्मणों का जो जन्म है वो दो तरह का जन्म होता है, तब उसको द्विजन्म कहा जाता है। 98 में जो कृष्ण का जन्म है वो पहला जन्म है या दूसरा जन्म है? पहला जन्म है। दूसरा जन्म तो तब होता है जब कृष्ण की बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि गीता का भगवान कौन है। अभी ब्रह्मा अथवा कृष्ण की बुद्धि में ये बात बैठ गई कि गीता का भगवान कौन है, तो जब ये बुद्धि में बैठ जाएगा तब उनका जन्म भी होगा। तो ये कब बैठेगा? तुम पूरी सुनते ही नहीं हो, वाणियाँ पूरी सुनोगे तो 20-20 बार उसका क्लैरिफिकेशन दिया इस बात का कि 2018 में जन्म होगा। बराबर सुनते हैं, योग करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये परेशान करते। योग मत करो, याद करो। याद तो दिन भर चलती है, याद चलती है ना। चिंतन मंथन चलता है, उसका चिंतन मंथन को याद नहीं कहा जाता। बाबा की याद में आपका बच्चा है, ये बच्चे को आप लंदन में पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल में भेज दें, तो ये बच्चा की याद आएगी या नहीं आएगी? या इसकी जो है याद आएगी ना। याद में मुख्य बात तो चेहरा याद आता है कि नहीं आता है? चेहरा याद आता ही नहीं, तो चेहरा याद आएगा तो उसमें आत्मा भी होगी कि मुर्दा होगा? आत्मा भी याद आनी चाहिए। तो याद करना है, याद योग भूल दो, भूलना नहीं है। योग वाली बात ही खत्म करो। बाबा जो गुरुजी ने बोला कि एडवांस वाले इसी शरीर से नरसिंहारण बनेंगे, तो शरीर से छोड़ देंगे। शरीर छोड़ रहे हैं उन्होंने भक्ति मार्ग के संस्कार को 100% आ गया है, इसलिए शरीर छोड़ रहे हैं। भक्ति मार्ग के संस्कार जिनमें भी रह जाएंगे उनको शरीर छोड़ने पड़ेंगे। बीके वाले शरीर क्यों छोड़ रहे हैं? बीके वाले जो शरीर छोड़ रहे हैं क्यों शरीर छोड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें बाप का ज्ञान है ही नहीं। जब बाप का ज्ञान ही नहीं है तो भक्ति में है ना, भक्ति में है इसलिए शरीर छोड़ रहे हैं। परिवार में रहकर क्या होता है, दीपावली आ गई तो परिवार में रहकर के दीपक भी जलाने पड़ेंगे, तो अपनी अपनी आत्मा की पावर है। कोई पावरफुल आत्मा होगी तो अपने घर बार को सारी भी चेंज करके रख देगी। या तो तुम नहीं या तो हम नहीं। धर्म पर यह पर धर्म धर्म में छोड़िए। हाँ, दीपावली के दीपक जलाते हैं ज्ञान में चलने के बावजूद, तो दिखावा कर रहे हैं तो भक्ति मार्ग हो गया। बिल्कुल हो गया, शरीर छोड़ना पड़ेगा, जरूर शरीर छोड़ना पड़ेगा। दीपक जलाना तो दूर की बात रही। मुरली में आया है तुम दीपावली जाकर छत पे देखेंगे थोड़े, तुम तो जानते हो हम तो सच्ची दीपावली मना रहे हैं। आज ना उसकी दीपक जलाने सच्ची दीपावली तो आज मनाइए तो आज तक की दीपावली आपकी मन रही है तो जल्दी से नहीं बनाओ। पहले छोटा थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, परिवार में रहते हैं। अच्छा हाँ जी, माता कहने बाहर तो जल गया, अपन घर वालों का तो नहीं जला, बाबा भी जलाएंगे तो यहाँ ज्ञान में आते हो तो हंगामा नहीं करते। यहाँ ज्ञान में आते हो तो हंगामा करते कि नहीं? हंगामा नहीं करते। ज्ञान में आते हो तो हंगामा नहीं करते। बहु पवित्र रहती है तो हंगामा नहीं करते। आने के लिए हंगामा नहीं करते, और किसी बात के लिए हंगामा करते हैं। जैसे उनकी मन को साफ करने के लिए मैंने बाहर दीपक जोड़ दिया, भीतर तो नहीं जोड़ा, तो वो भी बाहर से हम भक्ति करते रहेंगे तो दुनिया वाले की बुद्धि में ये बात बैठेगी कि ये भगत हैं या ज्ञानी हैं। भगत हैं लेकिन हम अपने अंदर माने घर वालों को चेंज नहीं करना, ऐसे ही भला करते रहो, ना करते रहो। पड़ोसी दीपक रख जाए तो क्या करें, रख जाए मन थोड़े करें। पड़ोसी दीपक जलाइए क्या करें, दीपक वाले आके रख जाते हैं। हमने तो नहीं रखा क्या बात, पड़ोसी आकर के रख जाए तो तुम्हारा क्या विकल्प बनता है? हम किसी को भक्ति करने के लिए मना तो नहीं कर रहे, ये भी तो ज्ञान है। हम किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है। भक्ति कोई करना चाहे, दीपक जलाना चाहे, दिवाली देखना चाहे तो उसको देखने दो, दीपक जलाने दो, हमको मना नहीं करना। लेकिन हम ना दीपक जलाएंगे और ना दिवाली देखेंगे। क्यों क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हम तो अपने अंदर से देख रहे हैं कि ये आत्मा दीपक जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, सारे हम जिसको देखते हैं वो दिखाई पड़ता है। तो हम झूठे दीपक क्यों देने चलाएंगे? ये भाव भी तो हो सकता है, ये भाव भी तो हो सकता है कि जैसे पर्वत को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं और वहाँ जो उसकी लीला जो देखते हैं परमपिता की, परमेश्वर की, जो देवता नहीं करते हैं, जो परम परमेश्वर पहाड़ को देखना भगवान की लीला है। नहीं, प्रकृति को देखने पे, प्रकृति देखना, ये प्रकृति के जो रूप स्वरूप है उसको देखने से भगवान की लीला ज्ञात होती है। ये तो होता है कि इसने कैसे बनाया पहाड़। मुसलमान हो, मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ ने पहाड़ बनाया, अल्लाह मियाँ ने नदी बनाई, अल्लाह मियाँ ने दुनिया बनाई, अल्लाह मियाँ की सारा, अल्लाह मियाँ ने दिन बनाया, अल्लाह मियाँ ने रात बनाई। अल्लाह मियाँ बनाता है ये सब। ये संसार किसने बनाया? लो ये संसार अनादि है या भगवान ने बनाया? अरे ये संसार की शक्ति अनादि है या बनाया? अरे ये तो अनादि चला चला आया है। आत्माएं अनादि है या बनाई? आत्माएं अनादि है। ऐसे ही आत्माओं का जो रहने का स्थान है, इस शक्ति पर पाठ प्ले करने का जो स्थान है वो भी अनादि है। भक्ति मार्ग में यही तो बताते थे। भक्ति मार्ग की बात क्यों याद कर रहे हैं आप? नहीं, परमपिता को याद करना तो प्रकृति को देखो, उसमें प्रकृति का काम प्रकृति करती है, आत्मा का काम आत्माएं करती है, मनुष्यों का काम मनुष्य करते हैं। भगवान ये प्रकृति के दृश्य नहीं बनाता है। छोटी छोटी लाइट है तो जला सकते हैं। मैंने कुछ भक्ति करना है, पक्का कर लिया हमको। चलिए ये तो पक्का कर लिया है कि कोई न कोई तरीके से भक्ति करना है, शरीर छोड़ना है। लाइट जलाना भक्ति थोड़ी होती है। जो रोज लाइट जलाते हैं वो एक कमरे में एक दो बत्ती जलाते हैं, ढेर भी ढेर नहीं जलाते। बच्चों को भक्ति करने से मना नहीं करना है। बच्चे जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति पूरी होने दो, लेकिन हम खुद भक्ति नहीं करते। हमने भक्ति छोड़ ही दी। भक्ति बोधाबाद ज्ञान जिंदाबाद, हम खुद ही भक्ति जिंदाबाद करते रहेंगे तो फिर हमें जो हम कर्म करेंगे हमें दे दूसरे करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो घर वाले हमको गाना करेंगे, गालियाँ देंगे। हाँ, बच्चे जाती अम्मा आई है हमारी, ये जाने कहाँ की दुश्मन भूत प्रेत घुस गया घर में। भूतनी है, भूतनी भगवान को नहीं मानती। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने की ताकत नहीं है। अरे बाबा, ये बात और है, भूत को लिए घर के बाहर के गिरवटी ना काटे, जो फिर गिरवटी ना काटे नहीं तो ज्ञान है, तो देवता नो ना माने। तो जो कहती है तो हमें तो चिपक जाता है। वो कहती है तो तुमको चिपक जाता है। हम जो पूछ रहे तो बताओ, वो जो कुछ कहती है, गालियाँ देती है, गुलामी करती है, तो ज्ञान की गिलानी तो करेंगे तो करने दो। तो हमको क्या माने तुम उनसे प्रभावित होती है तो उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। अगर उनकी बातों से प्रभावित हुई और तुमने उल्टा काम करना शुरू कर दिया ज्ञान के खिलाफ, तो उनकी प्रजा जरूर बनना पड़ेगा। ये सोचना चाहिए कि हम कितने जन्म तक उनकी प्रजा बनेंगे। हमें भगवान बाप आके प्रजा बनना सिखा रहे हैं या राजघराने में जन्म लेना सिखा रहे हैं? क्यों? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, तो अरे दुनिया कुछ भी कहती है, हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? बिच्छू है, बिच्छू की जाति का है। बिच्छू जहाँ कहीं भी नरम देखेगा वहाँ डंक मारेगा, मारेगा या नहीं मारेगा? तो हम बिच्छू हैं या हम ब्राह्मण हैं? तो हम अपना कर्म छोड़ दें क्या? ब्राह्मणों का कर्म क्या है ना, दूसरों के कहने से हम अपना धर्म छोड़ दें? ब्राह्मणों का धर्म ही है सेवा करना, कोई कुछ भी कहता रहे, धर्म करिए पर धर्म न छोड़िए। ये बात सुनिए, लेकिन इनका जो कहना है ना, कोई भी पात्र हो, सुनना चाहता हो, उसको समझ में संदेश देने की बात अलग है और ज्ञान सुनाने की बात अलग है। संदेश संदेश दुनिया में सबको देना है, एक एक मनुष्य मात्र को 3 बातों का संदेश देना है। नई दुनिया आने वाली है, माना सतयुग आने वाला है, कलयुग पुरानी दुनिया जाने वाली है और भगवान नई दुनिया बनाने के लिए आ गया है। संदेश खत्म। दुनिया यही कहती कि वही वो घूमती फिरती है, उर्दू सुनाती रहती है, समय स्थान देख करके ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान की बात कहाँ कर रहे हैं हम? नहीं, ये ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम संदेश की बात कर रहे हैं। संदेश सिर्फ 3 बातों का। तो 3 बात ही सुनाए ना, लेकिन ऐसा अपन घर के ऊपर आधा घंटा में ठीक कर दें, वो बात नहीं कर रहे, वो तो संदेश देने की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ भी है पर अनुभव तो मैं कर रही हूँ ना। क्या अनुभव कर रहे हैं? बस वही बात, यदि दीक्षा पूछ लेंगे आधा घंटा वहीं व्यतीत कर देंगे, जो बाकी व्यतीत कर रहे हैं। संदेश 2 मिनट का संदेश देने वो मदारी खेल करता है ना, तो झूठ इकट्ठा हो जाता है, ऐसा पाँच सौ हो जाए वो सुने ना, समझते ही नहीं। जो आदमी हमारा हमको अपोजिशन कर रहा है, तो अपोजिशन करने वालों के बीच में बैठ कर के हमको आर्गू करने की क्या करता है? आर्गू करने के लिए मुरली में बाबा ने बोला है क्या? नहीं बोला है तो कपाट छोटा नहीं, पर जो हम ज्ञान सुनना चाहिए उसमें सुनाए ना, वातावरण तो देख के वो बात खत्म। जहाँ आर्ग्यू करता हो आदमी वहाँ हमको नहीं सुनाना है लंबा लंबा, हमें सिर्फ 3 बातों का संदेश देना है। यही मैं कह रही हूँ ना, भगवान आया हुआ है, नई दुनिया बना रहा है, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है, एटम बम बन चुके हैं। वो भी कुछ तो मूड देख के बात करें ना, वो सबको संदेश, कैसा जो मूड वाला हो, ये संदेश सबको देना है। अभी तो हम कलयुग को लाखों करोड़ों वर्ष बताते हो, लेकिन हम उनके कान में ये 3 बातें जरूर डाल दें। वो डाल दें, जब टाइम आएगा, जब भगदड़ मचेगी, तब उन्हें याद आएगा कि हमको किसी ने बताया, तब वो भागेगा। नहीं, उनको ये भी बता दिएगा आज से 100 साल पहले क्या था आज क्या, वो तो कहेंगे ऐसा हमेशा होता ही चला। जो बिधर्मी आत्माएं होंगी बाबा की आधी बात मानती हैं, आधी बात नहीं मानती है। दुनिया को दिखाने वाली जो बात है वो तो मान लेंगे, जो बात दुनिया को नहीं दिखाने वाली है, आंखों से छुपी हुई है, वो नहीं मानेंगे। जो अपने फायदे की बात होगी वो मान लेंगे, जो फायदे की बात नहीं होगी वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। तो वो विधर्मी आत्माओं की बात है, उनको विदेशों में भेजा जाएगा। जो विधर्मी आत्माएं हैं वो आधा ज्ञान मानती है और आधा ज्ञान नहीं मानती, क्योंकि वो ज्ञान पूरा नहीं मानती। ईश्वर का ज्ञान जो पूरा नहीं मानते हैं, वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं? कन्वर्ट होने वाले तो जाएंगे ही नहीं, थैंक यू भी हो। किसी को पसंद आया, उसने कहा हमें सुनाओगे, बल्कि हाँ सुनाएंगे, आपकी किताब पास किताब हो तो किताब दे दो, हमने उसको किताब दे दी। फिर दूसरे दिन आए हो तो हमारे यहाँ डेट हो गई है और ऐसे ऐसे हम मतलब नहीं सुन सकते, तो जिस जगह पर और भी आदमी आते हैं क्या हम उस जगह चले जाएंगे? क्या हुआ बाबा तो कहते जहाँ मौत हो गई हो, शमशान घाट में पहुँच गए हो ढेर के ढेर, वहाँ जाकर के क्या जोर जबरदस्ती है? कोई आर्गू कर रहा है नहीं मानता है तो जबरदस्ती क्यों सुनानी? कोई इंटरेस्टेड है वो सुनेगा, उसको सुनाओ। कोई भी हो, ज्ञान अकेले में सुनाना ज्यादा अच्छा है। 2-5 इकट्ठे हो जाए फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। एक परिवार के हैं तो भी सुनाना अच्छा है। तो हम जानते हैं परिवार का मुखिया बैठा हुआ है, उसकी बात माननी पड़ेगी परिवार वालों को। ये कहाँ बोला मैं 3 मूर्तियों में आता हूँ? तुम तो बात को बदल रही हो। 3 मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य भी कराता हूँ, तो बात क्यों बदल रही हो? ऐसे बातें बदलते बदलते सारा धर्म ही कन्वर्ट हो गया। और कर्तव्य करता हूँ नहीं, कराता हूँ। करण करावन हार भी हूँ, शंकर के द्वारा कराता हूँ, ब्रह्मा विष्णु के द्वारा कराता नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु के द्वारा करणहार है, कराने वाला नहीं है। कराने वाला सिर्फ एक ही बाप है। अच्छा भाई टाइम हो गया, बहुत 15 मिनट ज्यादा हो गया।